साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे जनता के सेंटिमेंट की, जो कि राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद क्या फील कर रही है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता आज खत्म हो गई है, इसलिए कल उन पे फैसला आया था, 2 साल की उन्हें सजा हो गई। अब मामला भी लगे हाथ आपको बताते चलते हैं। सूरत की एक अदालत ने उन्हें फैसला दिया है। काफी दिनों पहले उन्होंने एक रैली में कहा था कि जितने देश के भगोड़े हैं उन सबके नाम के सामने मोदी लगा है। इसी बात पे सत्ता को, प्रधानमंत्री को या व्यक्ति विशेष पे ही ये टिप्पणी थी, उस पर इतना बुरा लगा कि उसे एक पूरी तरह से ओबीसी व्यवस्था को जोड़ दिया गया, ओबीसी बिरादरी को ही गलत कह दिया गया। हालांकि ये कि अनोखा प्रयोग है, क्योंकि इसके पहले ब्राह्मणों को पानी पी पी गरियाने वाले लगातार अभी बने पड़े हैं, बहुत लोग समाज में जी रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके के विरोध में सिर्फ आजम खां को और राहुल गांधी को सजा हुई है। ये कारण हो सकता है कि दोनों मुखर नेता हैं, दोनों लगातार युद्ध कर रहे हैं, अपने संघर्ष के माध्यम से ये देश में सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, सीधे टक्कर दे रहे हैं। अभी तो ये जबरदस्त की चुनौती राहुल गांधी ने दिया कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा करके। अब गुजरात से असम तक ये प्रस्तावित भी है, आने वाले टाइम में पूरे देश में एक पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, शायद इसीलिए कुछ बातें बनती हैं, कुछ बातें बिगड़ती हैं, क्योंकि सत्ता और विपक्ष ये हमेशा ठनी रही है बातें। पिछले दिनों यश जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम भूल नहीं पाते कि हमारे पिताजी के साथ कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने बदले की कार्यवाही किस तरीके से किया। शायद आने वाली पीढ़ियां यही बात कहे कि हम मोदी के या हम भारतीय जनता पार्टी के इस कारनामों को भूल नहीं सकते कि इस तरीके से बदला लिया। बदले की बात चली है, बदले की बात चलती रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये मायने नहीं है कि संसद के सदस्य वो रहते हैं या बर्खास्त होते हैं, क्योंकि संसद के दशकों तक सदस्य वो रहे हैं और उनमें संसद से लेके सड़क तक नापने की कोशिश किया है। राहुल गांधी की वो धार जो आज के 10-5 साल पहले नहीं हुआ करती थी, अब वो धार आने लगी है। राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन उसमें लगातार बदलाव आ रहा है, शायद ये बीजेपी समझ गई है, समझ पा रही है। इंदिरा गांधी की ताकत, पंडित नेहरू की ताकत मोदी की ताकत से ऊपर थी, तब वो इतने ही तपे थे, जब ये इतने आज के समय में मोदी तपे हैं, लोग यही कहते हैं, कांग्रेस यही कहती है। कांग्रेस की क्या, लगातार अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या तमाम विपक्षी नेता भी यही कहते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट आता है लगातार कि तानाशाही वाली व्यवस्था को बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन की बात अकेले कांग्रेस नहीं कर रही। लेकिन इन चीजों के बीच में सरोकार तो धूमिल हो ही रहा है। कोई कहता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो कोई कहता है बट थर्ड क्लास डेमोक्रेसी रन कर रही है इस देश में। जिस सेंटीमेंट को राहुल गांधी ने दशकों में गवाया है, उसी सेंटीमेंट को प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों में पाया है। दशकों में सेंटीमेंट मिले हैं और इधर दशकों में खिसके हैं, फिर तो वक्त लगेगा, लंबा समय लगेगा एक दूसरे सेंटीमेंट को ट्रांसफर होने में। लेकिन सनातनी हिंदू राष्ट्रवाद का सेंटीमेंट क्या राहुल गांधी के लिए रास्ते बना पाएगा? अगर इस पे चलने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं तो उनके लिए रास्ते कठिन हैं, क्योंकि इस पे भाजपा बहुत आगे है, उनके साथ मीडिया, सोशल मीडिया, और आज सोशल मीडिया के बहुत सारे खिलाड़ी हैं इसकी काट। हालांकि कहा भी जाता है लोहे को लोहा ही काट सकता है, इसकी काट क्या ये संभव है इस तरीके से कि राहुल गांधी भी वही ढूंढे। राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि जनता जनार्दन है, आप भी पैनी नजर रखिए, टिप्पणी जरूर करिए, कमेंट करिए हमारा ये कंटेंट आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं इसमें।
ऐसे किसी दूसरे कंटेंट के साथ जल्दी भेंट होगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।